वर्क प्रेशर के चलते ना जाने कितने सुसाइड के मामले सामने आ गए हैं। एक के बाद एक मामला सुसाइड का, जिसका कारण सिर्फ एक, वर्क प्रेशर। आपकी जिंदगी में संतुलन ना होना प्रोफेशनली और पर्सनली, लोग तनाव में आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक फाइनेंस कंपनी, बता दें कि बजाज फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 5 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने बताया कि पिछले 2 महीने से अधिकारी उस पर रिकवरी टारगेट पूरा करने का दबाव बना रहे थे, पूरा ना होने पर उसके सैलरी से पैसे काटने की धमकी दी जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबरें। आपको बता दें, ये झांसी का मामला, झांसी में तो हड़कंप मचा ही रहा है, लेकिन देश में भी हड़कंप मचा रहा है कि आखिरकार वर्क प्रेशर के चलते लोग सुसाइड के बारे में सोच भी कैसे रहे। वर्क प्रेशर के चलते लोग देश के हर कोने में सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें से कई मामले हमारे सामने आए और झांसी का एक और मामला अब सामने आ गया है। इस कदम को उठाया गया जहां आपको बता दें 42 ईयर्स के तरुण सक्सेना, जो कि झांसी के रहने वाले हैं, उन्होंने वर्क प्रेशर के चलते सुसाइड की। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा गया है। इस सुसाइड नोट में पूरी दास्तां, पूरी वो टेंशन, वो फिक्र, वो परेशानी लिख कर गए हैं कि किस तरीके से उन्हें वर्क लोड के चलते, प्रेशर के चलते ये कदम उठाना पड़ा। अपने बच्चों की 1 साल की फीस जमा करने की बात कही गई है, माँ बाप से गुहार लगाई गई है कि ऊपर की मंजिल का एक मकान पोर्शन बनवा लें उनके जाने के बाद। पत्नी से तमाम बातें इस पर लिखी गई हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने से पहले जिस तरीके से तरुण सक्सेना ने अपनी बीवी और बच्चों को एक कमरे में लॉक भी कर दिया था और दूसरे कमरे जहाँ पर वो सोते थे, उनका बेडरूम, उसमें उन्होंने सुसाइड कर ली। जब सुबह कामवाली आई तो उसने देखा। ऐसे में इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, एक बार पुलिस को सुनिए। सुसाइड कर लिया, कौन था और क्या काम निकल गया है? तरुण सक्सेना, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, ये गुमनावारा थाना क्षेत्र नवाबाद के रहने वाले थे। ये बजाज फाइनेंस में एरिया मैनेजर थे। इन्होंने अपने दुपट्टे से फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने अपने जो उच्चाधिकारी हैं उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है कि उनके द्वारा टारगेट ज़्यादा दिया जा रहा था और लगातार उसको प्राप्त करने का प्रेशर बनाया जा रहा था, आदि ऐसे तरह तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। परिजनों द्वारा यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, ये तो पुलिस का कहना है कि किस तरीके से तरुण सक्सेना ने वर्क प्रेशर में आकर सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसके बाद आपको बता दें कि तरुण के भाई ने क्या कुछ कहा है, एक बार उन्हें सुनिए। नाम है आपको? जी, मेरा नाम कपिल सक्सेना है। कपिल जी, आज क्या हुआ, क्या कौन कदम हुआ? मेरा छोटा भाई जो एरिया मैनेजर पोस्ट पर था बजाज फिंसर में, और उसने वर्क प्रेशर में आके इधर सुसाइड कर ली। क्या मतलब, क्या सुसाइड नोट कुछ लिख के रहे, क्या है? हाँ, उसने कंपनी के पदाधिकारियों के नाम लिख के और सुसाइड करी है, वो लेटर उन्होंने जमा करा दिया है पुलिस थाने। आपको क्या पता, कैसे पता चला कि आज फांसी लगा ली, क्या बताओ? सुबह जब हमारी कामवाली आई है तो उसने देखा कि मेरा छोटा भाई वो पड़ा हुआ था, तो इसने एकदम जाके, मेरे माताजी पिताजी अलग मकान में रहते हैं, तो उनको जाके बताया कि भैया नीचे गिरे पड़े हैं। तो हम लोग एकदम भाग के आए हैं सब, तो हम लोगों ने देखा कि पत्नी कहाँ थी इसकी? पत्नी अंदर सो रही थी, उसका आके गेट हम लोगों ने खुला, उसको भी जानकारी नहीं थी। तो कौन कौन परेशान, कौन सी कंपनी है, कौन परेशान? ये बजाज फिंसर में थे एरिया मैनेजर, और प्रभाकर मिश्रा का नाम लिया है उन्होंने अपने लेटर में, और वैभव सक्सेना, ये दो के इन्होंने नाम लिख के गए हैं जी लेटर में, जो इनको अत्यधिक परेशान किया जा रहा था और इनसे फंडिंग करवाई जा रही थी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। कल ऑफिस गए थे? हाँ, कल ऑफिस गए थे और काफी प्रेशर में था वो। आपको कभी पहले बताया उन्होंने? नहीं, हम लोगों से सर उसने कभी ऐसा, माता जी पिताजी भी हम लोग सब पास ही पास रहते हैं, कभी किसी से उसने इस तरह का जिक्र नहीं किया कि मैं इस तरह की परेशानी में हूँ या मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, जो कंपनी उसके बीवी बच्चों को भरण पोषण का अमाउंट दे। सुना आपने,
ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि क्या झांसी में ये वर्क प्रेशर के चलते पहला मामला है। आपको बता दें ऐसा नहीं है। इन दो हफ्तों में, पिछले दो हफ्तों में देखा जाए तो सुसाइड के न जाने कितने मामले सामने आ गए हैं। दो हफ्ते छोड़िए, पिछले एक महीने में देश में वर्क प्रेशर के चलते लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। इससे पहले आपको बता दें, काम के बोझ ने 26 साल की एक सीए की जान ले ली। महाराष्ट्र के पुणे में एक 26 साल की सीए की मौत का मामला सामने आया। कहा गया कि वर्क प्रेशर ने युवती की जान ले ली। युवती की मां ने कंपनी के बॉस को एक खत लिखा जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यही नहीं, तमिलनाडु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी वर्क प्रेशर के चलते खुदकुशी की। अधिक काम के दबाव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद को करंट लगाकर सुसाइड कर लिया। ये छोड़िए, जमशेदपुर में टाटा स्टील जुस्को के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कैसे की, जहां पर कारण था वर्कलोड। पुलिस को सुसाइड नोट भी उसकी जेब से बरामद हुआ। ऐसे में वर्कलोड को लेकर लगातार सुसाइड हो रही हैं। ये पिछले दो हफ्तों की सुसाइड हैं। एक महीने पहले भी आपको बता दें ऐसे तमाम मामले सामने आए। इंसान तो इंसान, दुनिया में खबर ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब आत्महत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने की थी, वो भी वर्क प्रेशर के चलते रोबोट ने सुसाइड कर ली थी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।